नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको संसद के कार्यों के बारे में पढ़ाऊंगी। आप सब जानते हो बच्चों कि मैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान आपको पढ़ा रही हूँ। उसमें यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है संसद, लोकसभा और राज्यसभा। उसमें मैं आपको संसद के कार्य पढ़ा रही हूँ। क्या होते हैं संसद के कार्य, वो देखिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बच्चों कि संसद के 2 सदन हैं। एक है आपका लोकसभा और दूसरा है आपका बच्चों राज्यसभा। 2 सदन जो होते हैं वो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम बात करें कि जो संसद है जिसका दूसरा नाम व्यवस्थापिका है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में देखने को मिलता है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद आता है कि जो संसद है वो काम क्या करती है, तो मैंने बताया भी था कि संसद का महत्वपूर्ण कार्य है विधि निर्माण करना, कानून बनाना। हमारा भारतीय संविधान संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। अब देखो, विधि निर्माण की बात करें हम बच्चों, तो विधि निर्माण की बात करें तो कानून बनाने का अधिकार हमारी भारतीय संसद को देता है। कौन? हमारा भारतीय संविधान। और ये कहता है संविधान की अनुसूची जो है आपकी, वो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है और उसमें 3 सूचियां बताई हुई है बच्चों। पहला है आपका संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। संघ सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बनाती है। ये मैंने आपको बताया भी था। संघ सूची में 97 विषय हैं, इसमें 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय वर्तमान में हैं। तो संघ सूची के विषयों पर जितने भी विषय हैं उन सब पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। इसके अलावा राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य सरकारें बनाती है, लेकिन आपातकाल होने पर सभी शक्तियां संसद के पास आ जाती है। इसके अलावा बच्चों ध्यान रखना, अनुच्छेद 249 कहता है कि अगर राज्यसभा किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो राज्य सूची के उस विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ जाता है, संसद के पास आ जाता है। तो अनुच्छेद 249 के अनुसार किन्हीं परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाती है। फिर आता है बच्चों समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जैसे शिक्षा है, समवर्ती सूची का विषय है, तो ऐसे कई विषय जो समवर्ती सूची के विषय है उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी है और केंद्र सरकार को भी है, लेकिन अगर दोनों में गतिरोध हो जाए तो केंद्र सरकार का निर्णय मान्य होगा। अब बात आती है बच्चों एक अवशिष्ट विषय होते हैं। कौन से विषय होते हैं? अवशिष्ट विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार या संसद को दिया गया है। तो आप देखिए, विधि निर्माण संबंधी कार्यों में समझिए कि विधि निर्माण करने का कार्य संसद करती है। हमारा भारतीय संविधान की अनुसूची 7
तीन सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद का है। राज्य सूची पर कानून वैसे राज्य सरकार बनाती है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में संसद को भी राज्य विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। संवर्ती सूची के विषयों पर कानून दोनों सरकारें बनाती है, लेकिन इसमें पावरफुल संसद को बनाया गया है कि अगर दोनों में गतिरोध हो जाए तो पावरफुल किसको माना जाएगा? पावरफुल केंद्र सरकार या संसद को माना जाएगा। अवशिष्ट विषय जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में देखने को मिलता है, बच्चों इस अवशिष्ट विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है, अब बात आती है कि कानून बनाया जाता है तो कानून बनाने से पहले विधेयक क्या होता है? विधेयक प्रस्ताव रखा जाता है, और जो प्रस्ताव रखा जाता है बच्चों संसद के द्वारा, संसद में विधि निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? तो संसद में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उसको हम विधेयक कहते हैं। विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है सरकारी विधेयक और दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वो होता है जो मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और किसी भी संसद के सदस्य के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। जैसे धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है, धन विधेयक कभी भी गैर सरकारी विधेयक नहीं होता है। तो आपने देखा कि विधि निर्माण की प्रक्रिया में संसद के द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उसे हम विधेयक कहते हैं। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत होते हैं और गैर सरकारी विधेयक संसद के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। अब संसद में प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, उसके बाद हर सदन में, आपको पता है हर सदन कौन सा है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये दो सदन है बच्चों, इन दोनों सदनों में तीन वाचन होते हैं, उसके बाद ही कोई भी प्रस्ताव विधेयक का रूप धारण करता है। देखो तीन वाचन में पहला वाचन होता है प्रथम वाचन। मान लो प्रस्ताव लोकसभा में आया तो प्रस्ताव के लिए लोकसभा में पहले तीन वाचन होंगे। पहले वाचन में विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी जाती है। प्रथम वाचन में केवल यही होता है कि संसद में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उस विधेयक को प्रस्तुत करने की क्या मिल जाए? अनुमति मिल जाती है, तो उसे प्रथम वाचन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है बच्चों द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन बच्चों सबसे महत्वपूर्ण और चर्चा का भाग होता है। संपूर्ण विधेयक पर चर्चा, संशोधन, बहस, विचार विमर्श, ये सारी चीजें बच्चों द्वितीय वाचन में होती है। द्वितीय वाचन में बहस या चर्चा करने के लिए एक प्रवर समिति का गठन किया जाता है। ये प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, उस प्रतिवेदन पर बहस होती है, चर्चाएं होती है, विचार विमर्श होते हैं और तत्पश्चात उस पर संशोधन किए जाते हैं। फिर विधेयक पर विस्तार से चर्चा जो की जाती है वो द्वितीय वाचन में होती है। तो बच्चों विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है द्वितीय वाचन। इसमें प्रवर समिति का गठन होता है, प्रतिवेदन प्रस्तुत होता है, प्रतिवेदन पर बहस होती है, संशोधन होते हैं और संशोधन करने के पश्चात विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाती है। फिर आता है बच्चों तीसरा वाचन। तीसरे वाचन में केवल सामान्य चर्चा होती है और सामान्य चर्चा के बाद उस विधेयक पर मतदान किया जाता है और विधेयक पारित करवाया जाता है तीसरे वाचन में। ये तीनों वाचन अगर लोकसभा में पारित हो जाते हैं तो राज्यसभा में भेजे जाते हैं और राज्यसभा में भी इस विधेयक को
इन तीनों वाचनों से होकर गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही कोई भी प्रस्ताव विधेयक का रूप धारण करता है। विधेयक का रूप धारण करने के बाद में बच्चों क्या होता है, विधेयक बन गया। विधेयक बनने के बाद ये जाता है बच्चों राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है बच्चों? राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति देता है। तो आपने विधि निर्माण संबंधी कार्यों में पढ़ा कि विधि निर्माण करने का कार्य कौन करती है? संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। और सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां बताई गई है और उसमें पता चलता है कि संसद को राज्य सरकारों से या राज्य विधान मंडलों से ज्यादा विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। अनुसूची 7 में बताया गया है कि संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद का है। राज्य सूची में भी अगर राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास आ जाता है बच्चों। फिर आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों को इसका अधिकार दिया गया है। उसके बाद आता है अवशिष्ट विषय जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में देखने को मिलता है बच्चों। उसमें अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी संसद को दिया है। तो विधि निर्माण कानून बनाने में संसद सर्वोच्च मानी जाती है। उसके बाद मैंने बताया कि विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया है कि सबसे पहले विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। दो प्रकार के विधेयक होते हैं बच्चों। सरकारी विधेयक वो होते हैं जो मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, और गैर सरकारी विधेयक ऐसे होते हैं जो संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जब प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है बच्चों तो दोनों सदनों में तीन वाचन होते हैं। पहले वाचन में विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति ली जाती है। दूसरे वाचन में प्रवर समिति का गठन होता है, प्रतिवेदन पर बहस होती है, संशोधन होते हैं और विधेयक पर विस्तार से क्या की जाती है बच्चों? चर्चाएं होती है। और सामान्य चर्चा के बाद मतदान होता है। तीसरे वाचन में बच्चों अब जो है आपका विधेयक बनकर के तैयार हो गया है, संसद के दोनों सदनों द्वारा तीन वाचनों से वो विधेयक गुजर चुका है। अब आता है बच्चों वो किसके पास? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और ध्यान रखना बच्चों, कोई भी विधेयक कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर नहीं कर दे। तो राष्ट्रपति जी के पास विधेयक आता है। ये बात कर रहे हैं हम साधारण विधेयक की। किसकी बात कर रहे हैं? साधारण विधेयक की। साधारण विधेयक को तीन वाचनों से गुजरने के बाद राष्ट्रपति जी के पास वो जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत, तीन चीजें इसमें कर सकता है बच्चों। एक तो वो विधेयक पर क्या कर देगा? हस्ताक्षर कर देगा। विधेयक पर क्या कर देगा? हस्ताक्षर कर देगा। दूसरा, पुनर्विचार के लिए लोटा देगा कि आप इस विधेयक पर पुनर्विचार करो। तो विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसको लोटा भी सकता है। तीसरी बात हो जाती, मान लो पुनर्विचार के बाद वापस विधेयक आ गया तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा बच्चों?
अनुमति देनी पड़ेगी। तीसरा हथियार और है जिसको हम बोलते हैं बच्चों वीटो। वीटो का मतलब यहां पर यह है कि राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास रख ले, ना तो उसमें जवाब दे ना ही पुनर्विचार के लिए उसे लौटाए। तो राष्ट्रपति अगर किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है, हस्ताक्षर नहीं करता है, तो वो अपने पास रख लेता है। और हमारे भारतीय संविधान में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर कितने दिनों में करे। तो राष्ट्रपति इस कई बार विधेयक को क्या करता है, अपने पास रख लेता है। और ऐसा पहली बार जेबी वीटो पावर जिसको हम बोलते हैं, और इसका पहला डाकघर संशोधन विधेयक के मामले में सबसे पहले यानी जेल सिंह जो उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने सबसे पहले जेबी वीटो का प्रयोग किया था। उन्होंने डाकघर संशोधन विधेयक को पारित नहीं करवाया था, तो उन्होंने इसको अपने पास रख लिया था। इसीलिए इस प्रकार के विशेषाधिकार को राष्ट्रपति का जेबी वीटो पावर भी कहा जाता है। तो विधि निर्माण में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर दे। ये उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में देखने को मिलता है कि या तो उस पर हस्ताक्षर कर देगा, या पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, या वापस अगर आ गया तो राष्ट्रपति को क्या देनी पड़ेगी बच्चों, अनुमति देनी पड़ेगी। वीटो जो पावर है बच्चों, वो राष्ट्रपति विधेयक अपने पास रख ले तो उसे जीबो वीटो पावर कहते हैं। और सबसे पहले डाकघर संशोधन विधेयक में यानी जेल सिंह जो उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया था। तो आपने विधि निर्माण से संबंधित कार्य देखे बच्चों, लेकिन कई बार मान लो लोकसभा ने विधेयक को पारित कर दिया लेकिन राज्यसभा ने विधेयक को पारित नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि विधेयक को पारित कैसे करवाया जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों। देखो, लोकसभा ने किसी विधेयक को पारित कर दिया लेकिन राज्यसभा ने उसमें कई प्रकार के संशोधन कर दिए जो कि लोकसभा को मंजूर नहीं है। साधारण विधेयक के मामले में अगर दोनों सदनों में गतिरोध होता है बच्चों, तो राष्ट्रपति के द्वारा एक अधिवेशन बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन जिसको कहा जाता है। तो संयुक्त बैठक के माध्यम से उस पर विचार विमर्श किया जाता है और विधेयक को पारित किया जाता है बच्चों। तो देखो, उसका नाम है बच्चों संयुक्त अधिवेशन। क्या होता है संयुक्त अधिवेशन, देखो बच्चों, अगर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध हो जाए, क्या हो जाए, गतिरोध हो जाए, तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो काम करता है, बुलाने का कार्य जो करता है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष आपके राजस्थान के ही हैं, उनका नाम है बच्चों ओम बिड़ला। ठीक है, तो हमारे जो राष्ट्रपति जी है वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, और इस संयुक्त अधिवेशन में जिस का बहुमत होगा उसके आधार पर विधेयक को पारित करवाया जाएगा। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, और ये संयुक्त अधिवेशन केवल बच्चों साधारण विधेयक के मामले में ही हो सकता है। कौन से विधेयक के मामले में, साधारण विधेयक के मामले में ही संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया जा सकता है।
तो विधि निर्माण में साधारण विधेयक के मामले में किस प्रकार से प्रस्तुत होता है, किस प्रकार से तीन वाचन होते हैं, ये हमने इस वीडियो में देखा। अब बात आती है बच्चों दन विधेयक पारित करना, किस प्रकार होता है दन विधेयक पारित। बच्चों देखो हमारे भारतीय संविधान में दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ध्यान रखना बच्चों धन विधेयक और साधारण विधेयक के मामले में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है राज्यसभा की तुलना में, जो हम आगे के वीडियोस में भी देखेंगे। तो धन विधेयक अगर पारित करना है तो धन विधेयक हमेशा ध्यान रखना बच्चों लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में अगर धन विधेयक पारित हो जाता है, और धन विधेयक है या नहीं ये भी कौन देखता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही इस बात को देखा जाता है। तो धन विधेयक पारित करना की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 109 में है और धन विधेयक को परिभाषित जो है वो अनुच्छेद 110 में किया गया है। और धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पारित होता है, लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा केवल इसमें 14 दिन का विलंब कर सकती है। 14 दिन का विलंब करने के पश्चात वो लोकसभा ने जो विधेयक पारित किया था वैसा का वैसा विधेयक पारित माना जाता है। धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति पूर्वानुमति देता है बच्चों, तो हस्ताक्षर अपने आप ही हो रखे होते हैं। तो धन विधेयक में ज्यादा पावरफुल लोकसभा को माना गया है। बाकी के कार्य हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे संविधान संशोधन और कार्यपालिका से संबंधित संसद के कार्यों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने विधि निर्माण संबंधी कार्यों में विधि निर्माण संबंधी कार्य, इसके अलावा धन विधेयक और संयुक्त अधिवेशन के बारे में चर्चा की। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हो बच्चों उनको बनाओ, उनके आंसर्स मेरे वीडियो में ढूंढो, और आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आगे के भी आपके लिए वीडियो बनाती रहूं और आपको इसी तरह से राजनीति विज्ञान की जो बुक है उसको आराम से आप पढ़ सको, समझ सको, ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठा सको बच्चों। तो इसके लिए मेरा वीडियो वॉच करते रहो और जो मैंने बोर्ड पर नोट्स लिखवा रही हूँ, समझा रही हूँ, उसको लिखते जाइए। धन्यवाद।